मंगलाचरण 343 राजु घन कार यह लोक अधो मध्य ऊर्ध तीन भेदता के कहे हैं। कर कटी धारी पैरों को फैलाई नराकार तीन वात वलयता के घेरा बांधे खड़े हैं। बीच में है त्रस नाली तामे सर्व त्रस जीव थावरे भी ताहा और सर्व लोक कहे हैं। लोक ही के अंत में वे राजमान सर्व सिद्ध ताको नमो तीन लोक चर्चा हम करे हैं। ताको नमो तीन लोक चर्चा हम करे हैं। सर्व सिद्धों को नमस्कार करके तीन लोक की चर्चा अपन कर रहे हैं। आज की कक्षा का प्रकरण है लोक का आकार, शेप ऑफ लोक। लोक का आकार कैसा है, यद्यपि हमने मंगलाचरण में ही देख लिया था कैसा है लोक का आकार, पुरुषाकार। एक शब्द में कहें तो पुरुषाकार लाओ। फिर उसका और डिटेल भी उसमें लिखा था, उसका डिटेल और उससे भी और भी डिटेल आज अपन इस कक्षा में चर्चा करेंगे कि लोक का आकार होता कैसा है। ठीक है, मंगलाचरण में कर कटीधारी पैरों को फैलाए नराकार ऐसा कहा था। अपन उसको ही देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कहना है? ये तो उसका मेन जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर की हेडिंग है। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये लोक का आकार लिखा ना तो ओके है। तो इसमें क्या कहना चाहते थे, कैसा है लोक? एक सेकंड, एक जन बोलो, कैसा का आकार? अच्छा, ऐसा लिखा था क्या? देखो भैया, आप लोगों को जो भी दिखा, हमें तो सही सही दिखा लोक का आकार है ना। आप लोग क्या देख रहे हो मुझे पता नहीं, मुझे तो जो दिख रहा है सही दिख रहा है। ठीक है ना, लोक का आकार। तो अपन लोक के आकार को अपन देखने का प्रयास करेंगे आज की इस कक्षा में। अनेक ग्रंथों के प्रमाण, अनेक शब्दावलियों से और अनेक वैरायटी से लोक के आकार को अपन आज देखेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से समझने का प्रयास करें। शास्त्रों में भाषा जो लिखी रहती है, कई बार भाषा ऐसी है कि उस समय प्रसिद्ध थी, अभी वर्तमान के समय में हम देखें तो वो शब्द हमें बहुत कठिन लगते हैं। हमें लगता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। सालों साल निकल जाते हैं, ज़िंदगी भी निकल जाती है, उन शब्दों की मीनिंग हम नहीं ढूंढ पाते। तो यहाँ पर जो आगम में जो उपलब्ध हैं उनके मीनिंग सरल अर्थों में, और वो भी सचित्र देखेंगे तो आपको हर चीज़ आँखों में बस जाएगी। जैसे ऐसा नहीं होता कि हम एक बार कोई सीरियल देख लें, कोई मूवी देख लें या कोई क्रिकेट मैच देख लें, तो लाइव देखता है तो वो हमेशा याद रहता है, बहुत काल तक याद रहता है। कोई यदि पिक्चर को पढ़ाए पीरियड वाइज तो उतना याद नहीं रहेगा। मूवी को कोई पढ़ाए क्लास में लेक्चर दे उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन आँखों में से गुजर जाए वो। तो आँखें इतनी खतरनाक चीज़ होती हैं कि सबसे ज़्यादा यदि याद होता है तो आँखों को होता है। ये बात आप देख लेना, किसी भी चीज़ को आप कानों से सुन के याद करेंगे उतना लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, लेकिन आँखों को देख के, आँखों से देख के आप याद करेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। उदाहरण दें, मान लो हम किसी व्यक्ति का नाम लें और उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करते जाएं आधे घंटे तक। उदाहरण के लिए लोक ही ले लें कि लोक ऐसा है, इस आकार का है, ऐसा है, वैसा है, पूरा एक घंटा लेक्चर हो गया। आपको कितना याद रहेगा पता नहीं,
और जब आप सोचोगे या बताओगे तो वो भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे और वो एकदम क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी। लेकिन आपको सीधा दो मिनट में ऐसा चित्र बना के दिखा दिया जाए कि ऐसा है लोक, याद रखने में कितना टाइम लगेगा? वहाँ एक घंटा लेक्चर दिया और यहाँ पर तुरंत एक दो सेकंड में, एक दो मिनट में काम हो जाता है। तो अपन वही प्रयास कर रहे हैं अब लोक के आकार को विभिन्न दृष्टियों से देखने का। शुरू करते हैं लोक का आकार, आगे बढ़ें। ये लिखा है लोक का आकार, पहला पॉइंट पुरुषाकार है। ये इसका लाइट वाला काम नहीं हुआ भाई। कैसा है लोक? पुरुषाकार है। ये छत्र चूड़ामणि में कहा है, छत्र चूड़ामणि तो नाम सबने सुनी है। पुरुषाकार के पुरुष के आकार का ये हम पढ़ चुके हैं, नराकार पढ़ा था मंगलाचरण में। यहां क्या लिखा है? पुरुषाकार, पुरुषाकार कहो नराकार कहो एक ही बात है, एक पॉइंट। अब इसी को अपन थोड़ा सा और कहीं दूसरे प्रमाण से देखें, थोड़ा और डिटेल मिल जाए। यहां तो सिर्फ पुरुषाकार लिखा है लेकिन पुरुषाकार तो कैसा भी हो सकता है। लेकिन पुरुषाकार में भी उसकी जो सिचुएशन पोजीशन है वो कैसी होना चाहिए? मान लो कोई पुरुषाकार में ऐसा सीधा खड़ा हो जाए, ऐसा चलेगा लोक? ऐसा खड़ा हो जाए, ऐसा खड़ा हो जाए, ऐसा लोक चलेगा? अरे पुरुषाकार है, चलेगा नहीं चलेगा? तो पुरुष को भी कैसे खड़े रहना है, उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, वो भी देखना जरूरी है। तो पुरुषाकार मात्र से काम होने वाला नहीं है। तो पुरुषाकार तो कैसा पुरुषाकार, वो भी हमें देखना है ना। तो वो देखने के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। पहले अपन थोड़ा सा 12 भावनाओं पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचे? 12 भावना पर। सबने पढ़ी है? क्या पढ़ी है? 12 भावना पढ़ी है। देखो बोल रहे 12 भावना पढ़ी है। पंडित भूधरदास जी की, किसकी नहीं तो 12 भावना तो बहुत वैरायटी के सैकड़ों विद्वानों ने लिख दी, आचार्यों ने जो मुनिराजों ने लिखी थी वो अलग, विद्वानों ने भी लिख दी। तो यहाँ पर जो अपन 12 भावना कौन सी? पंडित भूधरदास जी की। याद है किसी को क्या कहा उसमें? क्या कहा? 14 राजु उतंग नव लोक पुरुष संठान। 14 राजु उतंग, 14 राजु ऊंचा, उतंग माने ऊंचा, 14 राजु उतंग नभ, नभ माने वो आकाश, आकाश का मतलब यहां लेना है लोकाकाश। और कैसा? लोक 14 राजु उतंग नभ लोक, लोक यहां आ गया तो नभ माने आकाश, लेकिन यहां लोक लिखा है इसका मतलब लोकाकाश। ठीक है, अर्थ ध्यान में रखना। 14 राजु उतंग नभ और लोक पुरुष संठान, वह जो लोक है अथवा लोकाकाश है वह कैसा है? पुरुष संठान, पुरुष के संठान माने आकार का। संठान माने क्या होता है? संठान का अर्थ होता है संस्थान। संठान का अर्थ क्या है? ये संठान पुरानी है ना हिंदी, उसमें चला है ब्रजभाषा जैसा भी। तो संठान का सीधा संस्कृत में अथवा हिंदी में बनेगा संस्थान। संस्थान माने होता है आकार। तो जो लोकाकाश का आकार है अथवा लोक का आकार है वह पुरुषाकार है। यहां पर भी यही कहा, लोक पुरुष संठान पुरुषाकार है। तो यहां पर जो हम चाहते हैं पुरुषाकार तो है लेकिन वो सौरभ जैसे आकार का है कि गौरव जैसे आकार का है कि सूरज जैसे आकार का है कि धीरज जैसे आकार का है, नमन जैसे आकार का है कि चमन जैसे आकार का है, कोई भी मतलब बोलो किस आकार का है। तो पुरुष के आकार का तो होगा लेकिन उसकी पोजीशन माने वो पुरुष तो है लेकिन वो बैठा है कि खड़ा है कि आड़ा है कि तिरछा है कि क्या कर रहा है, खेल रहा है कूद रहा है, उसकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन भी बताना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ेगा एडवांस। पुरुष के आकार ये अपने लोक के आकार को समझना है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ
क्लियर करने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्ड स्टेप पर पहुंचते हैं, तीसरा पॉइंट, ये दूसरा हो गया, चौदह राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान बारह भावना पंडित भूधरदास जी। पॉइंट नंबर थर्ड पर पहुंचते हैं, देखिए वैसाखी पर खड़े हुए, वैसाखी तो सभी जानते ही हैं, वैसाखी पर खड़े हुए तथा कमर पर हाथ रखे हुए पुरुषवत, ये आदि पुराण का है। इसमें थोड़ा सा और उसकी पोजीशन सेट कर दी। कैसे कर दी? वैसाखी तो सब जानते हैं, वैसाखी होती ना दोनों हाथों में अपन ऐसी लगा के रखते हैं, है ना, तो उसको ऐसी वाली के ये हाथ उस पर रखे हुए हों, यहाँ का हाथ वैसाखी पर, और जो ये जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ यहाँ पर वैसाखी ऐसी भी रहे और दोनों हाथ अपने ऐसे भी हो जावे। तो वैसाखी पर खड़े हुए, वैसाखी पर खड़ा हुआ है और उसके हाथ कहाँ पर हैं? कमर पर हैं। तो नीचे ऐसी वैसाखी फैली हुई है, इस तरह फैली हुई है और उसके हाथ कमर पर रखे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा मैं ख्याल में आता है कि लोक ऐसा होना चाहिए, नीचे की तरफ ऐसा होना चाहिए और ऊपर की तरफ उसके जो हाथ ऐसे कमर पर रहेंगे तो ऐसा होके ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब पुरुष की पोजीशन, पुरुषाकार तो है लोक, लेकिन उसकी पोजीशन इस तरह की होना चाहिए कि ऐसा कमर पर हाथ रखे और उसकी वैसाखी ऐसी फैली हुई। तो ये आदि पुराण में ऐसा कहा है, ठीक है, इतने से वैसे ख्याल में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा और पुष्टि के लिए अपन और ग्रंथ पर भी आगे बढ़ते हैं। एक अपन ने मंगलाचरण में लिखा ना, कर कटिधारी पैरों को फैलाए नराकार। यद्यपि ये जो पंक्ति है ना, इसी टाइप की दूसरी जगह थी, मुझे बहुत पहले से याद थी, तो हमने उसी को ही मंगलाचरण में थोड़ा सा फेर बदल करके रख दिया, क्योंकि वो जो लाइन है एकदम एक ही लाइन में पूरा अर्थ आता था और दूसरी लाइन बनाने में थोड़ा सा संघर्ष हो रहा था, तो हमने थोड़ी सी वहाँ की कुछ लाइन ली और कुछ अपनी मिलाई और सेट कर दी। लेकिन वो असली लाइन कहाँ की है अपन वो देख लेते हैं। चर्चा शतक की है वो लाइन, उसमें लिखा है कर कटिधारी पांखों पसारी नराकार। कर कटिधारी, कर माने हाथों को कटी मारे कमर पर, धारी माने धारण करके, और पांखों पसारी पैरों को पसार करके। अब कोई कहे कि लोक का आकार बनाना है तो पिछले वाले में क्या कहा था, वैसाखी पर खड़े हुए, तो वैसाखी लाओ, क्या लाओ, परम वैसाखी लाओ, वैसाखी पर खड़ा करो, फिर उधर हाथ रखो, तो इतनी मेहनत कौन करे गौरव, तो क्या करें, वैसाखी कोई जरूरत नहीं है, सीधे अपन ही खड़े हो जाओ, अपन क्यों ढूंढो दूसरे साधन। तो सीधा का सीधा एक आदमी को कर कटिधारी पांखों पसारी, कर को कटी पर धारी और पैरों को ऐसा फैला दिया, तो ऐसा क्या हो गया, ये तीन लोक का, मतलब लोक का आकार हो गया, ठीक है। होने को तो उसमें और भी एक लाइन और दी है, डेढ़ मूरजे आकार, इसी चर्चा सदक में है, लेकिन उसके लिए अपन आगे भी दूसरे ग्रंथों में है, अपन वहां से ले लेंगे। तो ये चर्चा सदक में इतना आ गया, ठीक है। इससे बात ख्याल में आ गई कि पुरुषाकार तो है लोक, लेकिन पुरुषाकार में भी कैसा होना चाहिए, आदेश आदर्श, दोनों हाथों को कहाँ रखना है, कमर पर रखना है, और क्या करना है, पैरों को नीचे से फैलाना है, कितने फैलाना है, ठीक है, कि बीच में गैप थोड़ा पड़ जाए, नहीं तो पैरों को तो इतना सा फैला दो तो काम नहीं चलेगा, कितना फैलाना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा फैलाना पड़ेगा। जैसे समझ लो हाथ यहाँ तक पहुँच रहे ना, यहाँ तक, तो इसके कम से कम बराबर हो, बल्कि और ज़्यादा ही हो, जितने अपने कमर पर पैर रखे हाथ रखे हुए हैं उससे भी ज़्यादा अपने पैर फैलना चाहिए। तो पैर फैलाने की भी पोजीशन हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो पैर फैलाना है तो ऐसे थे इतने से कर दिए, ये नक्शा गलत बन जाएगा, तीन लोक का सही चित्र नहीं होगा। तो उसको पैरों को और फैलाओ कि अपने यहाँ से यहाँ तक जो निकले हैं इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही फैले, ऐसा प्रयास करना है।
ठीक है। ये तो अपन ने इधर लाइव दिखा दिया, थोड़ा अपन ऐसा किसी को बुला लेते हैं यहाँ पर, वो भी अपने फैला के दिखा देगा। आओ भाई आ जाओ इधर जल्दी, ये आ गए देखो, है ना क्लियर। ये पुरुष है और पुरुषाकार है अपना तीन लोक, और ये पूरा ऊपर है इधर, ये पैरों को, ये हाथों को अपने कहाँ रखे हैं, हाथों को कमर पर और पैरों को फैलाए, यहाँ इन्होंने नीचे इधर रखे हैं ऐसे, लेकिन वो वास्तव में वो ये जो तीन लोक का यहाँ बना दिया ना ऐसा नक्शा, तो वास्तव में फैलाना है यहाँ तक, यहाँ तक फैलाना है, ऐसा फैलाएंगे, ऐसा जाएगा ऐसा, और ऐसा करके तीन लोग ऐसा बन गया, ठीक है। मैंने इधर तीन लोग अंदर दिखा दिया और ये फैलाने वाला यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ठीक। अपन को तो समझने के लिए समझना है, बाकी तो चित्र तो अनेक प्रकार के हैं, तो इस तरह से अपन ने लोक का आकार देख लिया। तो शास्त्रों में अनेक स्थलों पर पुरुषाकार रूप लोक का चित्र कहा है, माने लोक की संरचना पुरुष के आकार कही। तो अपन ने यहाँ पर चार प्रमाण देख लिए, पुरुषाकार यहाँ, पुरुष संठान यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पुरुषवत और यहाँ पर भी नराकार, ये चारों प्रमाण पुरुषाकार के हैं, ठीक है संयम। अब शास्त्रों में कहीं दूसरे आकार का भी कहा है, दूसरे आकार का, दूसरे आकार कौन सा, तो अपन आगे के अगले शास्त्र पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये आ गया है, सुप्रतिष्ठक। इस लोक का आकार कैसा है, सुप्रतिष्ठक। अब ये जो शब्द मिलता है ये भगवती सूत्र में मिलता है, बहुत दिमाग लगाया कि क्या होता है क्या होता है, अभी तक तो पुरुषाकार 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 हमने पढ़ रखा था, लेकिन ये नया शब्द मिल गया सुप्रतिष्ठक, ये क्या चीज होती है। फिर इसका भाव निकालने की कोशिश की, तो उसका भाव यहां पर मिला त्रिसराव संपुटाकार, उसका अर्थ है, पहले ही शब्द तो कठिन था, उसका अर्थ निकाला, क्या निकाला, त्रिसराव संपुटाकार, ही और बड़ा कठिन हो गया और दिक्कत खड़ी हो गई, लेकिन अर्थ तो निकालना ही है, तो देखो अपन अर्थ निकालते हैं। त्रि माने होता है तीन, त्रि माने तीन। अब क्या है यहां, सराव, सराव माने होता है एक तरह से कटोरा टाइप, सराव माने कटोरा, ठीक है। माने देखा जाए तो कम गहरा जो बर्तन है, एक ऐसा भी अर्थ लिया जाता है, अथवा कटोरे के अर्थ में ही, पेटी के अर्थ में भी लिया जाता है, है ना। तो सराव माने देख, मूल अर्थ तो है सराव का अर्थ कम गहरा बर्तन, सराव का अर्थ क्या है, कम गहरा बर्तन। और फिर यहाँ आगे लिखा ना संपुट आकार, आकार तो आकार है ही, शेप, संपुट, संपुट का अर्थ होता है पेटी, संपुट का अर्थ क्या होता है, पेटी, पेटी भी कहें अथवा उसको कटोरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ क्या निकला, त्रि माने तीन, सराव माने कम गहरा, और संपुट माने पेटी अथवा कटोरा, दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। तो कम गहरा कटोरा उसके आकार का, उसके आकार का होता है तीन लोक। बहुत मेहनत हुई थी ये, है ना, इसका अर्थ निकालने में, ठीक है, सरलता से ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। बात तो ये है कि अभी तीन लोक बन गया क्या, इससे लोक बन गया क्या, इससे बन गया, ये बता रहे हैं बन गया, कैसे बन गया, यहाँ पे कम गहरे बर्तन में कटोरे लिए थे, हाँ, एक को सबसे नीचे उल्टा रखा, हाँ, उसके ऊपर एक सीधा, उसके ऊपर, अरे वाह ये बात प्रिंस, बहुत बढ़िया, गुड, ये है दिमाग, बना दिया तीन लोक, आया समझ में। अच्छा इन्हें तीन कटोरे क्यों लिए, इन्होंने कहा तीन कटोरे में एक उल्टा रखना, उसके ऊपर सीधा रखना, उसके ऊपर उल्टा रखना, ऐसा करके इन्होंने तीन लोक बना दिया, बहुत अच्छा। देखो त्रि लिखा ना, त्रि, तो त्रि का मतलब अपन को कटोरा तो लेना था,
लेकिन अब कटोरा में सीधा माना कोई भी कटोरा लें तो उससे तीन लोग का आकार, लोग का आकार तो बन नहीं रहा है, तो क्या करें? तो अपने पास उपाय मिल गया, यहाँ तीन लिखा है तो लाभ उठा लिया कि तीन कटोरे लो। कितने कटोरे? अब तीन कटोरे लेना है तो अब तीन कटोरे से हमें लोक का नक्शा बनाना है। तो कितना बढ़िया बना दिया नक्शा कि एक कटोरे को उल्टा रख दो, ठीक है, उल्टा रखेंगे, जैसे ऐसा था ना पुरुषाकार, ऐसा था ना नीचे पैरों को फैलाए, तो जो कटोरा रखेंगे तो गोल घूम के होगा तो ऐसा होगा ना, ये हो गया नीचे का हिस्सा। एक नंबर दो क्या है? इसको सीधा रख दो तो अपन लोक का आकार देखेंगे तो एक ऐसा इस तरफ की ओर ही बना हुआ है, और फिर उसके ऊपर फिर एक ऐसा रख दो उल्टा, तीन लोक का आकार बन गया, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन, पहले इनकार से देख लें, सुप्रतिष्ठक त्रिसराव ये पूरे अर्थ आ गए, त्रि माने तीन, सराव ये शराब बा लिख गया, ये बा नहीं है बल्कि वाह है ना, नहीं तो शराब में दारू समझ ले कोई, है ना नमन, कहेगा जी बढ़िया है तीन तीन दारू हैं, तो ये क्या यहाँ सराव पढ़ना है ना, सराव तीन सराव माने कम गहरा बर्तन, संपुट माने पेटी अथवा कटोरा ले सकते हैं। तो पहला एक उल्टा रखना, दूसरे को उस पर सीधा रखना, और तीसरा पुनः उल्टा रखना, तो ये तीन लोक का आकार बन जाएगा, लोक का आकार बन जाएगा। बना के देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, आ जाओ भाई, ये आ रहा धीरे 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 धीरे, ये कटोरा ऊपर आ गया, ये क्या किया अपन ने, इसको क्या किया उल्टा रख दिया, तो ये नीचे का अधोलोक का हिस्सा हो गया, ये अधोलोक का ऐसा हिस्सा बन गया। और फिर सेकेंड नंबर पर इसको दूसरे कटोरे को कैसा रखना है, इसके ऊपर सीधा रखना है, दूसरा रख दो सीधा, ये हो गया सीधा। अब इसके ऊपर ऊपर से बंद करने के लिए उल्टा रख देंगे, तो तीसरा रखा अपन ने कटोरा, ये उल्टा, तो इस तरह से तीन लोग का आकार। अब ये जैसे कटोरे हमें मिले तो हमने लगा दिए, लेकिन वास्तव में यदि सही सिस्टमेटिक कटोरे नाप तोल के लिए अपन रखेंगे तो बिल्कुल व्यवस्थित लोक का आकार बनता है, ठीक है। आप यहाँ से देख लें ऐसा, फिर ऐसा, इसको अपन थोड़ा जैसे छोटे करें, और फिर ऐसा, तो ये तीन लोक का आकार इस तरह से बन जाता है पूरा कंप्लीट। क्लियर? कोई डाउट? विकास दिख रहा है चश्मे के अंदर से? नहीं तो हम देखते हैं कई बार, तुम ऐसे 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 देखते हो, चमकता है कि यहाँ पे? नहीं, मैंने रोज देख रहा हूँ कक्षा में, लिखते हो नोट्स बिल्कुल बनाने के लिए ऐसे ऐसे करके, दिक्कत तो नहीं है? चलो नहीं तो चश्मा चेंज कर लेना, है? फिर नहीं देखेगा, फॉरवर्ड भी नहीं देखेगा, है? ये हो गया सेकंड पोजीशन, ये अपना भगवती सूत्र का है। अब अपन और भी आगे बढ़ते हैं, शास्त्रों में और भी प्रकार से इसका आकार कहा है। अपन पहुंचते हैं जम्बूदीप पंडित्ति पर, किस पर? जम्बूदीप पंडित्ति, उसके आधार से देखते हैं लोक का आकार कैसा कहा है। आगे बढ़ें, पॉइंट नंबर 6, ये लिखा जप सम, ज माने जम्बूदीप, प माने पंडित, जम्बूदीप पंडित्ति संगह, संग हो, जम्बूदीप पंडित्ति संग हो, ये ग्रंथ है। और इसमें लिखा अधोलोक वेत्रासन, ही कठिन शब्द है नया सा, मध्य भाग है झल्लरी के समान और ऊर्ध भाग है मृदंग सदृश, ठीक है गौरव तुम तो चले कहीं, अभी मत सो भाई थोड़ी देर बाद, क्या लिखा दिख गया? तीन शब्द आए हैं नए, अधोलोक को वेत्रासन कहा, मध्य भाग को झल्लरी के समान और ऊर्ध भाग को मृदंग के समान कहा, ठीक है शुभम, तो ये तीन हो गए। लेकिन है क्या ये चीज? एक तो वेत्रासन क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा, शब्द तो लिखा है लेकिन हमें नहीं पता वेत्रासन क्या होता है, ऐसे ही ये झल्लरी क्या होता है, ये झल्लरी भी नया शब्द है हमारे लिए,
और तीसरा मृदंग तो थोड़ा बहुत हमें जानकारी में है, तो मृदंग भी है। तो ये तीन प्रकार के तीन शब्द हैं, इन तीनों को हमें समझना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि वास्तव में इसका आकार कैसा बनेगा। देखें अर्थ, वेत्रासन, अरे रुक तो जाओ भाई, सरप्राइज तो खुल जाता है जल्दी, तो फिर क्या मतलब है। पहले अर्थ समझ लें, वेत्रासन, वेत, वेत माने है? पहले बैत का आसन होता था ना, बांस, बांस, बांस का बना हुआ जो बैत का आसन बनता था ना, आप लोगों ने देखे होंगे पुराने समय में बैत के आसन बनते थे, अभी भी बनते हैं, बनाने वाले तो अभी बनाते हैं, और वो एक स्टूल टाइप का है किसी के घर में, आदर्श के घर में है? अच्छा, डबरा में भी है, अनुराग के यहाँ, तुम्हारे यहाँ भी है, देखा तो है, नहीं तो मेले में कहीं कहीं मिलते रहते हैं, देख लेना। तो बैत का जो आसन है वो स्टूल टाइप में ही रहता है, तुम्हारे यहाँ भी है। तो जो वेत्रासन, तो आप देखना जो वेत्रासन है जो स्टूल जैसा, तो स्टूल भी आप देखना, वो बैठने का जो स्टूल है वो ऐसा स्टूल, और उस पर बैठेंगे और उसके ऐसे जो पैर हैं ऐसे फैले रहेंगे, तो वो जो देखना नीचे का आकार अपना वैसे ही का वैसा सेम बन जाएगा, तो वही आकार आ गया। देखो शब्द बहुत हैं आगम में अलग अलग प्रकार से, लेकिन आचार्य सभी मिलके बताना एक ही चीज चाहते हैं, सबका कहने का भाव एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। तो ये तो हो गया वेत्रासन। अब मध्य भाग झल्लरी, ये झल्लरी क्या होता है, क्या होता है झल्लरी, झालर, झल्लरी का मतलब बोलो बोलो बोलो, झालर। तो इसको कहा मध्य लोक को कहा है झल्लरी के समान, तो झल्लरी कैसी होगी, झालर जैसी है। ये झल्लरी होता है, आप लोगों ने देखा हो कि मंदिर में जहाँ जैसे अभिषेक वगैरह होता ना, तो आपने देखा हो एक तो मंदिर के दरवाजे पे घंटा लगा रहता है या घंटी लगी रहती है, तो एक तो वो घंटी होती है, तो ज़्यादातर आजकल लोग तो वही यही घंटी बजा देते हैं, टन 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 टन, और वहाँ अभिषेक हो रहा है, यहाँ टन 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 लगातार चलता चला जाता है। लेकिन मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा, हाँ बहुत बढ़िया, एक गांव में है ना, वो एक वो ऐसा वाला घंटा बजा देते हैं, तो वो जो ऐसा जो राउंड वाला होता ना वो कहलाती है झल्लरी है। हाँ स्कूल में भी कहीं कहीं अभी भी लगी है, ऐसा गोल गोल जो राउंड शेप में रहता है, और उसको ऐसा टन 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 वहाँ भी सेक हो रहा है, और यहाँ पर ऐसा चलता रहता, वो कहलाती झल्लरी। तो मध्य लोक कैसा है, झल्लरी के समान। ये सब दिखाएंगे आपको प्रत्यक्ष, आप देखना और पूरा एक एक चीज घटित होगी। तीसरा है कौन सा, मृदंग सदृश। मृदंग तो सब जानते ही हैं, जो बेचारा पिटता रहता है, बजाते हैं जिसको अपन ढोलक है ना। वैसे देखा जाए तो मृदंग एक थोड़ी अलग चीज़ है, और वर्तमान में वो बदल बदल के वो ढोलक रूप में आ गया, तो ढोलक अलग चीज़ है, लेकिन अपन सामान्य रूप से मृदंग ढोलक एक जैसा मान के चलें। तो अभी तीन अपन को बता दिए, अब तीनों को अपन को क्या करना है, सेट करना है, और ऐसा सेट करें कि वो लोक का नक्शा बन जाए। बोलो, अभी तो प्रिंस ने बनाया था, अब कोई और बना दे। वेत्रासन को अपन रखेंगे नीचे, अधोलोक लिखा ना यहाँ, तो लिखा ही है, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं था, तो उसने मन से बनाया। यहाँ पर सबसे पहले वेत्रासन, वेत का जो आसन है उसको नीचे रख दें, आ जाओ भाई, ए आ गया, रख दिया, ए हो गया अधोलोक, क्लियर। अब इसके ऊपर मध्य भाग में झल्लरी रखना है, रखो भाई झल्लरी, ये रख गई झल्लरी। अब हमें वो घंटा नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश की, तो वो घंटे जैसा इधर ले आए, लेकिन मध्य लोग लगभग ऐसे ही हो गया। ये यहाँ सामने दिखाने के लिए ऐसा खड़ा किया है, वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा खड़ा हुआ नहीं है, ऐसा आड़ा है, ठीक है, मध्य लोग ऐसा तिरछा। तो इसको अपन दिखाने के लिए सामने रखा है, और वास्तव में तो वो ऐसा आड़ा है, ठीक है, इधर ऐसा ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा कर दें अपन। और फिर तीसरा है ऊर्ध भाग मृदंग सदृश। ऊपर का मृदंग कैसा होता है,
ये जो ढोलक जैसी है तो ये नीचे से कैसी है, कैसी है अभिनंदन? इधर नीचे से ऐसी जाते, बीच में चौड़ी होती है, नीचे से सकड़ी सी है और फिर बीच में जाके ऐसी चौड़ी होती है और फिर जाके ऐसी सकड़ी हो जाती है, सकड़ी हो जाती है। तो अपना जो ऊपर का जो हिस्सा है ऊर्ध्वलोक का, वो भी तो ऐसा ही है, ऐसा जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं जरा, आ जाओ भाई, ये आ गया। जो ढोलक मिली हमने लगा दी भाई, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है यहाँ से इस तरफ थोड़ा ऊपर की ओर गया, चौड़ा हो गया, इधर हो गया, फिर बीच में ऐसा बाद में ऊपर सिकुड़ गया थोड़ा। तो इस तरह से लोक का नक्शा नीचे से ऐसा, फिर मध्य लोक में झल्लरी के समान और फिर ऊपर ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, एक लोक का अपना नक्शा तैयार हो गया। ऐसा है वास्तव में लोक। ये हो गया जम्बूदीप पण्डति संघ होगा उदाहरण। अब आते हैं अपन तिलोय पण्डति पर। किस पर? यति वृषभाचार्य की ये कृति। वास्तव में तीन लोक का विषय अधिकतम सबसे ज्यादा विस्तृत रूप में उसी में है। नाम ही उसका तिलोय पण्डति। तिलोय माने तीन लोक को बताने वाली, प्रज्ञप्ति पण्डति प्रज्ञप्ति उसका विस्तार से वर्णन करने वाली है। अपन उसका भी अपन देख लेते हैं। आइए सातवां पॉइंट, इसमें लिखा अधोभाग वेत्रासन, सेम है ये वेत्रासन। मध्य भाग खड़े किए आधे मृदंग के ऊर्ध्वभाग के समान। यहाँ मध्य भाग को झलरी के समान कहा था और यहाँ क्या कहा है, खड़े किए आधे मृदंग के ऊर्ध्वभाग के समान। यहाँ बीच में आधा मृदंग करेंगे और उसके ऊर्ध्वभाग के समान है मध्यलोक। और ऊर्ध्वलोक कैसा है, खड़े किए हुए मृदंगवत। ये जो मृदंग खड़ा किया ना, ये हो गया खड़े किए हुए मृदंगवत। ऐसा ये लोक का, तीन लोकों का आकार समझना चाहिए। ठीक है, तो तिलोय पण्डति ग्रंथ के भी आधार से देख लिया। अब एक ग्रंथ और, कौन सा? त्रिलोक सार। किसका? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का। अब उस त्रिलोक सार ग्रंथ के आधार से भी अपन देख लेते हैं कि इस लोक का अथवा तीन लोक का आकार कैसा है। देखते हैं पॉइंट नंबर 8, डेढ़ मृदंगवत। बस सीधा इतना ही लिखा है। क्या लिखा? डेढ़ मृदंगवत। इसका अर्थ यहां खुलासा किया है कि डेढ़ मृदंग तो है लेकिन कैसा रखना डेढ़ मृदंग। तो अर्ध मृदंगवत अधोलोक, अधोलोक को क्या बनाया, अर्ध मृदंगवत के आधा मृदंग और एक मृदंग के समान ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक सीधा एक मृदंग के समान। तो नीचे रख दिया अपन ने आधा और उसके ऊपर रख दिया एक पूरा, तो ये बन गया तीन लोक का नक्शा। कैसे, सो देख लेते हैं। देखिए, आओ भाई, ये आ गए। ये अर्ध मृदंग है, आधा मृदंग है, ऐसा रख दिया इसको। ये नीचे का अपना हिस्सा आ गया अधोलोक का और उसके ऊपर क्या रखना है, एक मृदंग के समान। तो एक मृदंग पूरा इसमें अपन ने सेट करने के लिए तीन लोग जैसा नक्शा बनाया है तो उसके लिए अपन ने एक पूरा का पूरा यहाँ पर रखना पड़ता है। तो उससे बन जाता है अपना पूरा डेढ़ मृदंगवत तीन लोग का नक्शा। यहाँ पूरा मृदंग ही समझना, समझाने के लिए ऐसा रखा, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा एक अखंड मृदंग रखना है। तो ये बन जाता है अपना तीन लोग का नक्शा, बन जाता है तीन लोग का आकार ऐसा है। अब जो अपन ने जितनी मेहनत की है सब तरफ से कि ऐसा बनाना ऐसा बनाना ऐसा बनाना, अब सबको बना के अपन सीधा कंप्लीट एक पूरा का पूरा चित्र देख लेते हैं, तीन लोग का आकार देख लेते हैं। ठीक है, इधर ये देखो, इसको चाहे पुरुषाकार कह दो, ठीक है, कमर पर हाथ रखे हुए पैरों को फैलाए ये पुरुषाकार वत ऐसा कह दो, अथवा त्रिसंपुटाकार त्रिस्राव संपुटाकार, ठीक है, ऐसा कह दो, तो वो कटोरे वाला सिस्टम वो लगा दो, अथवा डेढ़ मृदंगवत भी लगा दो, अथवा वेत्रासन झल्लरी और मृदंगवत लगा लो, कहीं से भी लगा लो, सब तरफ से ऐसा ही इस लोक का नक्शा बनता है। ठीक, माने लोक का आकार ऐसा जानना चाहिए।
कल अपन ने चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि अपन इस लोक का आकार का विचार करते हैं, लोक के आकार का, तो अपने लिए एक औपचारिक धर्म ध्यान जैसा ही है। तो अपन लोक का अच्छे से पहले आकार तो देख लें, नहीं तो लोक का आकार ही हमें नहीं पता तो हम उसके बारे में सोचेंगे क्या, कुछ भी सोच लें गलत सलत। तो सही आकार हमारे ख्याल में हो तो अब ऐसे लोक स्वरूप विचार के आत्म स्वरूप निहार, ऐसा है कहा है। तो पहले लोक का स्वरूप विचार कर फिर आत्म स्वरूप निहारना है, तो ऐसे लोक के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, लोक के आकार का चिंतन करना, यह कौन सा नंबर का धर्म ध्यान कहलाता है? तीसरे के चौथे, चौथे नंबर का है संस्थान विचय। संस्थान विचय माने लोक आदि के आकार का चिंतन करना, विचार करना, ठीक है। ये कैसे हो गया धर्म ध्यान कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है, लोक का आकार बताया है, तो हमारा उपयोग अशुभ भावों में ना उलझे, पंचेंद्री विषय कषायों में ना उलझे, तो वहाँ से हटाकर अपने उपयोग को तीन लोक की रचना में लगा दिया, उससे हमारा उपयोग विषय कषायों से हटकर सिमट गया, वहाँ से इसमें आ गया, लोक की चर्चा पर आ गया। और देखा जाए इसकी गहराई में जाए ना आध्यात्मिकता में, तो वह है उस लोक से आ जाएंगे अपन, उसको लोक को क्या ऐसा कहा पुरुषाकार, तो वहाँ उस लोक से अपन आ जाएंगे सीधे अपने इस पुरुषाकार पर, ये पुरुष के आकार का, और फिर इसके आकार पर आके इसी के अंदर वो कौन है, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और वह शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ। तो इस क्रम से लोक के स्वरूप से अपने स्वरूप पर आ सकते हैं, अपन अन्यत्र ना भटकें, अपना उपयोग ना भटकाएं, इस व्यवस्थित सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित आकार का चिंतन करें, इसी भावना से आज अपन यहाँ पर ही विराम लेते हैं।